नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि इस वक्त हम लोग संघ की कार्यपालिका टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी यानी कि राष्ट्रपति के पद, उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, उसके निर्वाचन की व्यवस्था, उसके कार्यकाल, उसके महाभियोग इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम राष्ट्रपति के शक्तियां या राष्ट्रपति के दायित्वों पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, जिसके माध्यम से देश की संवैधानिक व्यवस्था में या देश की संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्तियां दो भागों में इसे बांटा गया है। सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। यह एक विशिष्ट स्थिति है जब देश के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस दौरान राष्ट्रपति के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और सामान्य परिस्थिति में देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाने के लिए सामान्य शक्तियों की व्यवस्था की जाती है जिसके माध्यम से देश का शासन संचालित होता है। तो सामान्य शक्तियों के अंतर्गत कई प्रकार के दायित्व हैं जिसे राष्ट्रपति के द्वारा निभाया जाता है या संविधान एवं राज्य व्यवस्था में उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व है वो कार्यकारी क्षेत्र में है। कार्यकारी शक्तियां ये इसे ही कार्यपालिका शक्तियां भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह शासन व्यवस्था से बहुत ही नजदीकी से जुड़ा होता है, जिसमें प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद होती है, वह इससे जुड़ा हुआ होता है, उसके परामर्श पर विभिन्न प्रकार के शक्तियों का प्रयोग करता है, नियुक्तियां करता है। लेकिन यह औपचारिक रूप में कहा जाता है कि यह कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद, कहने का मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरीके से ये देश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर इसकी मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसी तरीके से कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन दोनों ही कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें यद्यपि ये कई अन्य पदाधिकारियों से भी परामर्श लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पर ऐसे औपचारिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत यह पदाधिकारी के नियुक्ति आती है। कई बार यहाँ पर यह सवाल उत्पन्न होता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, चूंकि ये न्याय से जुड़े हुए होते हैं, तो इनकी नियुक्ति को न्यायिक शक्तियों के रूप में देखा जाता है। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि न्यायिक शक्तियां इनमें से कौन सी हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि नियुक्ति जिन भी पदाधिकारियों को किया जाता है और जिसे कैबिनेट या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श या सलाह दिया जाता है, तो वह सभी कार्य जो है कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना होगा, जहां पर वो नियुक्ति की बात होगी इन न्यायाधीशों के, तो वह कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, जैसे निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था होती है, तो
तो निर्वाचन आयोग क्यों अनिर्वाचन आयोग, इन सभी लोगों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरीके से महान्यायवादी, महान्यायवादी की व्यवस्था भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है और इसकी नियुक्ति फिर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है और इसे हटा भी सकता है। तो महान्यायवादी भारत सरकार का एक विधिक सलाहकार होता है जो विधि से संबंधित विषयों पर भारत सरकार को परामर्श देता है। इसी तरीके से राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद होता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन करता है और राज्य की व्यवस्था का संवैधानिक प्रधान होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरीके से कुछ आयोग हैं जिन आयोगों की भी जो है नियुक्ति और आयोगों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर किया जाता है। दूसरी जो व्यवस्था है वो आयोग की है कि इनके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, इसी तरीके से वित्त आयोग है, राजभाषा आयोग है, इसी तरीके से अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। विभिन्न प्रकार के आयोगों और उसके सदस्यों का जो है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ दूसरे प्रकार के कार्यों में आयोग और उसके अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति आती है। तीसरे में जो है केंद्रीय व्यवस्थाएं जैसे का एक पॉइंट बनता है। एक्चुअली इसे हम बिंदुवार इसलिए कह देते हैं कि जैसे कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति, फिर आयोग है, फिर केंद्रीय व्यवस्था, इसे याद करने में थोड़ी सी आसानी होती है। केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है और स्वयं राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। तो इस तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में ये व्यवस्थाएं की गई है, यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में। इसी तरीके से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां की शासन व्यवस्था भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक आयुक्त के माध्यम से संचालित किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो केंद्र की जो शासन व्यवस्था है उसके लिए भी राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। जो शासन संचालित हो रहे हैं उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं कि किस तरीके से देश के शासन का संचालन किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ केंद्रीय व्यवस्थाएं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके लिए नियम कानून बनाने की जरूरत है। ये सारे कार्य राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो कार्यकारी शक्तियों के बाद हम लोग देखेंगे विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां ये दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है, ये दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है। विधायी शक्ति का तात्पर्य राष्ट्रपति की उस भूमिका से है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा देश में कानून बनाने में उसकी भूमिका अदा की जाती है। कानून बनाने का कार्य मुख्य रूप से संसद के माध्यम से होता है जिसमें सरकार के द्वारा कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखे जाते हैं, विधेयक रखे जाते हैं और वो कानून बनाया जाता है। ये तब गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा भी विधेयक लाए जा सकते हैं और इस पर हम चर्चा संसद के टॉपिक में करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की कानून बनाने के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक नए वर्ष में प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रपति के द्वारा संसद को संबोधित किया जाता है और उस वर्ष के लिए सरकार की सभी नीतियों की बात कही जाती है। समस्त जो नीतियां होती, कार्यक्रम होती हैं, उसके बारे में राष्ट्रपति संबोधित करता है सदन को, संसद को, जिसमें दोनों सदन होते हैं। तो इस तरीके से नए चुनाव के बाद और नए वर्ष में प्रथम अधिवेशन में वो संसद को संबोधित करता है। इसी तरीके से इसमें संसद के सत्र को आहूत करना, सत्र अवसान करना और विघटन करना, आहूत
आहूत करना, 17 वसान करना और विघटन, ये कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। आहूत करना, 17 वसान करना और विघटन करना। आहूत करने का तात्पर्य होता है बुलाना, सदन को जो बुलाया जाना। 17 वसान का मतलब होता है कि कई प्रकार के सत्र होते हैं, सामान्य रूप से 3 प्रकार के सत्र होते हैं, जिस सत्र को नाम से भी जाना जाता है कि शीतकालीन सत्र है और इस तरीके से मानसून सत्र है, बजट सत्र है। तो इन सत्रों की एक निश्चित समय होती है, उसके लिए बैठकें शुरू होती हैं, सत्र में विधेयक रखे जाते हैं, उस पर कानून बनाया जाता है। तो वह सत्र को जो है 17 वसान का तात्पर्य सत्र को समाप्त करना या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, तो ये होता है 17 वसान। यह कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से विघटन, विघटन का मतलब जब किसी भी सदन का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस कार्यकाल के बाद उसे विघटन यानी कि समाप्त करने की बात होती है, नया चुनाव होता है। यहाँ पर 17 वसान के अंतर्गत एक और चीज देखना है कि जब सत्र चल रहा हो तो कुछ समय के लिए, कुछ अल्पकालीन समय के लिए जब सत्र स्थगित किया जाता है तो वह सभापति के द्वारा किया जाता है। सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, वो सदन के सभापति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब अनिश्चित काल के लिए होता है या पूरे सत्र की समाप्ति की बात होती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हम लोग कई बार विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर जब कानून बनता है तो विपक्षी दलों के द्वारा या अन्य सभी गुटों के द्वारा उस पर अपने विरोध जाहिर किए जाते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, तो सदन की कार्यवाही बाधित होती है और वहां पर सभापति के द्वारा कुछ समय के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है अल्पकालीन समय के लिए स्थगन। तो यह कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि सभापति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से सदन को आहूत करना, 17 वसान करना और विघटन करने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सदन की कार्यवाही जब चल रही होती है या अन्य समयों में विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर संदेश प्रेषित करना, यह भी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा आता है। जैसे कोई विधेयक लंबित है, उस पर कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस पर संदेश भी प्रेषित करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जब विधेयक पर चर्चा हो जाती है तो सदन से वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास उस दौरान 3 महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं, या तो उस पर जो है वो सहमति दे दे, या जो है अपने पास रख लें, या जो है पुनर्विचार, पुनर्विचार के लिए। 3 प्रकार की कंडीशन बनती है, सहमत में यह कानून बन जाता है, अपने पास जब यह रख लेते हैं तो इसे ही जो है पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है, पॉकेट वीटो के नाम से इसे जाना जाता है। और पुनर्विचार के लिए यह सदन को पुनः वापस भेज दिया जाता है। इसके संदर्भ में यह व्यवस्था की गई है कि सदन को जाता है, सदन उसमें विचार करता है, वह संशोधन करता है या नहीं करता है, यह सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। और जब दोबारा वो संशोधन सहित या संशोधन रहित स्थिति में विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसी पूर्व में व्यवस्थाएं की गई थी संविधान संशोधन के माध्यम से कि राष्ट्रपति को जब भी इस तरीके का विधेयक जाएगा तो उस पर हस्ताक्षर करना ही करना होता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि इतने गरिमामय पोस्ट के लिए इस तरीके के निर्देशित व्यवस्था को अपनाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बार पुनर्विचार की व्यवस्था होती है और ऐसे समय में यदि सरकार राष्ट्रपति के पद की गरिमा को समझता है, देश की परिस्थितियों को समझता है, जनता की मांग को समझता है, तो आवश्यकता अनुसार उसमें वो परिवर्तन भी कर सकता है और अपने द्वारा इस तरीके के किए गए प्रयास पर एक बार पुनः विचार करने का वो मौका प्राप्त करता है। तो इस तरीके से सदन से जब विधेयक इस तरीके से जाता है तो इस प्रकार की भूमिका राष्ट्रपति के पास होती है। अभी इसी तरीके की बात एक और है, जब सदन में किसी भी विधेयक पर असहमति हो जाए,
संसद के दोनों ही सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच असहमति हो जाए तो वहां पर एक स्थिति होती है संयुक्त अधिवेशन की 108 आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के लिए उस विषय पर दोनों ही सदनों को बुला सकता है और यह संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाने का कार्य राष्ट्रपति को होता है लेकिन ये बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसकी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है लेकिन लेकिन इसको बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से यदि असहमत की स्थिति होती है और वह कानून महत्वपूर्ण होता है तो उस पर संयुक्त अधिवेशन में तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाता है। एक और स्थिति इसमें हो सकती है कि यदि सत्र ही न चल रहा हो और देश के समक्ष कोई तात्कालिक विषय हो जिसके महत्वपूर्ण रूप से कानून की आवश्यकता तात्कालिक रूप से हो जाए तो वहां पर आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश की व्यवस्था की गई है। अध्यादेश की व्यवस्था वहां पर की गई है और अध्यादेश के अंतर्गत यह है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर कानून के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है और उसका प्रभाव उसी तरीके से होता है जैसे संसद के द्वारा बनाया गया कानून होता है। तो इस तरीके से वहां पर कानून बनाया जा सकता है लेकिन अध्यादेश के संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसको देख लेना आवश्यक है कि अध्यादेश के लिए पहली आवश्यकता यह है कि उस समय सत्र न चल रहा हो और दूसरी बात यह है कि कोई तात्कालिक विषय पर जो है कानून की आवश्यकता हो तभी यह जारी किया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन के प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह के अंतर्गत सदन से उसका अनुमोदन होना आवश्यक हो जाता है अन्यथा की स्थिति में वो कानून नहीं रह जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यादेश के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्ति संसद के विधायी शक्तियों के सम विस्तीर्ण है यानी कि समान रूप से विस्तृत है। जितनी की संसद के द्वारा कानून बनाने की शक्ति है उतनी है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में अध्यादेश की व्यवस्था नहीं की गई है और इस तरीके से अगर आप देखें तो अध्यादेश के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विषयों पर कानून बनाया जा सकता है और यह स्थिति ही भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के संदर्भ में एक अनोखी व्यवस्था बनाता है जो कि अन्य लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका ब्रिटेन इत्यादि देशों में इसकी व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से अध्यादेश के संदर्भ में भारत में एक विशिष्ट स्थिति का उल्लेख अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब इस तरीके से अध्यादेश के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को जो कि समाज सेवा साहित्य कला विज्ञान यानी कि साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हों तो उनके योग्यता को इनके अनुभव को उनके ज्ञान को विभिन्न प्रकार के कानूनों में विधेयक के विभिन्न प्रकार के अंशों में पिरोने के लिए या उनके अनुभवों को लाभ लेने के लिए उन्हें मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो कि साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं उन्हें भी मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यहाँ पर एक चीज और हम बता दें कि जैसे राज्यों की जो व्यवस्था होती है वहां पर राज्यपाल को भी इस तरीके के जो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है लेकिन वहां पर एक और विषय है सहकारिता। यह सहकारिता एक ऐसा विषय है जो कि इन विषयों के साथ साथ इसे भी जोड़ता है और राज्य की व्यवस्था में राज्य के विधायिका में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के साथ सहकारिता के क्षेत्र से भी सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। यह व्यवस्था पूरी तरीके से राज्यों के लिए है, यह केंद्र के लिए व्यवस्था नहीं है। यह केवल राज्यों में इस तरीके की शक्तियां राज्यपाल के द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मनोनीत करने का भी अधिकार है और इसके साथ साथ लाभ के पद पर
लाभ के संदर्भ में लाभ के पद पर निर्हरता या अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में निर्णय निर्वाचन आयोग के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे गतिविधियां हैं, कार्य हैं जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति भी होते हैं, और अगर उनका पद रिक्त होता है, चाहे वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो या सभापति उपसभापति हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी सदस्य को इस पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है कि वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के दायित्वों का निर्वहन करें। तो इस तरीके से एक व्यापक विधायी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम इसके बाद विचार करते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियां न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्रदान की जाती हैं, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के कानूनों के उल्लंघन में दोषी दिए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान किया जा सकता है। इस तरीके की क्षमा की व्यवस्था तीन प्रकार के कानून, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन के मामले में, मृत्युदंड के मामले में, और इसी तरीके से इन तीनों ही क्षेत्रों में यदि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दंड मिला है, तो इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो क्षमा प्रदान कर सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को जो क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, उसका स्वरूप बहुत ही व्यापक है, और वो पांच प्रकार से दिया गया है। एक पहले को जो क्षमा कहा जाता है, दूसरे को लघुकरण कहा जाता है, और तीसरे को परिहार, और चौथे को विराम कहा जाता है, और प्रतिलंबन, विराम और प्रतिलंबन। इस तरीके से क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन, इसके माध्यम से न्यायिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है। और यह सभी जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी ये माध्यम हैं, वो अपराधी के दंड को कम करने से संबंधित है। न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में जैसा कि भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के संदर्भ में, तो वो व्यवस्थाएं भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। क्षमा का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर दंड दिया गया है, तो उसके दंड को ये कम किया जा सकता है, ये समाप्त किया जा सकता है, इसे ही जो है क्षमा कहा जाता है। अगर चाहे वो बंदी के मामले में हो, या इसी तरीके से कोई भी दंड की बात हो, अगर उसे समाप्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वह क्षमा की श्रेणी में आता है, और यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। और क्षमा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात है कि यह मृत्युदंड भी हो सकता है जिसे वो क्षमा कर दे, और यही एक ऐसी विशेषता है जो कि राज्यपाल के पास नहीं होती है। राज्यपाल जो है मृत्युदंड प्राप्त किए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। और क्षमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अपराध में व्यक्ति को अगर दंड किया गया है, तो उस दंड के समाप्ति को ही क्षमा कहा जाता है। लघुकरण का अंतर यह है कि इसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। स्वरूप में जैसे मृत्युदंड जो पाया है, उसे कठोर कारावास या साधारण कारावास में अगर चेंज कर दिया जाए, तो यह लघुकरण होता है। लघुकरण के अंतर्गत उसके दंड के जो है स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और वह जो है लघुकरण कहलाता है। इसी तरीके से परिहार की जो व्यवस्था है, इसमें उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बगैर उसके दंड को कम कर दिया जाए। जैसे अगर कोई भी 2 वर्ष का कठोर कारावास है, तो उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास, क्योंकि यहाँ पे स्वरूप उसका कठोर कारावास का ही है, लेकिन उसका समय और काल कम कर दिया गया। तो यानी कि मतलब बिना स्वरूप को चेंज किए
दंड को कम करना परिहार कहलाता है। इसी तरीके से विराम, विशेष परिस्थितियों में यदि दंड को कम किया जाता है या उसे रोक दिया जाता है तो वह विराम कहलाता है। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई महिला जो है गर्भवती है तो उसके केस में विराम की व्यवस्था की गई है, तो यह न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। और इसी तरीके से प्रतिलंबन की व्यवस्था है, प्रतिलंबन में यह कहा गया है कि जो भी दंड दिया गया है उसे अस्थाई रूप से रोक दिया जाना, प्रतिलंबन का मतलब अस्थाई रूप से उसे रोक दिया जाना प्रतिलंबन कहलाता है। और यह मुख्य रूप से उस दंड से निपटने के लिए या क्षमा याचना के लिए उसे कुछ समय देना इसका उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम एवं प्रतिलंबन ये व्यवस्थाएं हैं जिसके द्वारा राष्ट्रपति न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यह रही है न्यायिक शक्तियों की व्यवस्था। इसी तरीके से हम लोग वित्तीय शक्तियों को देख लेते हैं। वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति देश का बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, इसे वित्त के क्षेत्र में भी व्यापक जिम्मेदारियां दी गई हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही जो है प्रस्तुत किया जाता है। कोई संचित निधि से खर्च करने वाली अगर बात है या विधेयक है तो वह भी राष्ट्रपति के अनुमति से ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यह माना जाता है कि जब यह देश का सर्वोच्च पदाधिकारी संतुष्ट हो जाए कि भारत में जो आय से स्रोत हैं उससे जो व्यवस्था है जिसका संचय संचित निधि के रूप में किया गया है अगर वहां से खर्च करने की योग्य बनता है तो भी इसे विधेयक को विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत किया जाए। इसी तरीके से अनुच्छेद 112 के अंतर्गत देश के बजट की बात कही गई है जिसमें एक वर्ष के अंतर्गत प्रांतीय आयोग व्यय का विवरण होता है। हालांकि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का भी वही अर्थ है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि वित्त का विवरण जो कि वार्षिक आधार पर होता है और व्यय विवरण के अंतर्गत प्राप्तियां और व्यय दोनों ही पक्षों को रखा जाता है। तो ये रखवाने का काम भी राष्ट्रपति का होता है। और इसके बाद केंद्रीय राज्यों के बीच विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त आय के बंटवारे के लिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के द्वारा केंद्र एवं राज्य के बीच विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त आय के बंटवारे के सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है और उन सिद्धांतों के आधार पर करों से प्राप्त आय का बंटवारा किया जाता है। तो इस तरीके से यह एक संवैधानिक जो है आयोग भी है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। हालांकि वित्त आयोग पर अलग से चर्चा किया जाएगा तो हम लोग वहां पर देखेंगे इसकी भूमिका कार्य संरचना को। यहां पर हम केवल वित्तीय जो शक्तियां हैं, जो वित्तीय दायित्व तो है, जो अधिकार है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूरे देश के बजट के लिए यही जिम्मेदार होते हैं और इनके द्वारा सदन में प्रस्तुत करवाया जाता है। धन विधेयक इनके पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त आय के बंटवारे के लिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन भी इनके द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ कूटनीतिक शक्तियां भी होती हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों कानून जो है, अंतरराष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, जब उन संधियों पर संसद की स्वीकृति लिया जाता है, लेकिन ऐसी संधियां राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाती हैं क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के देश के राजदूतों का स्वागत करना या अन्य देशों में जो भी राजदूत जा रहे हैं, नियुक्त किए जा रहे हैं, उच्च आयुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं, उन सभी लोगों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। उच्चायुक्त एवं राजदूत तो राष्ट्रमंडल के देशों में जब अपने प्रतिनिधि जाते हैं रहते हैं तो उसे उच्चायुक्त कहा जाता है
और इसी तरीके से राष्ट्रमंडल देशों के अलावा अन्य देशों में यदि किसी भी प्रतिनिधि का देश के प्रतिनिधि का वहां पर नियुक्ति किया जाता है तो वह राजदूत कहलाता है, यानी कि राजदूत और उच्चायुक्त, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, ये दो व्यवस्थाएं होती हैं, तो दोनों के बीच में ये अंतर होता है। तो इस तरीके से कूटनीतिक शक्तियों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, देश का प्रथम नागरिक, राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। इसलिए यह माना जाता है कि कूटनीतिक क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर विदेश यात्राएं की जाती हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि उन देशों के साथ अपने संबंधों को सरल बनाना, अच्छा बनाना, या विभिन्न प्रकार के यदि मतभेद हो तो उन मतभेदों को दूर किया जाना भी राष्ट्रपति की विदेश यात्रा का भाग होता है, जो कि कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से सैन्य शक्तियां भी होती हैं, सैन्य शक्तियां भी इनके पास होती हैं। ये तीनों ही सेनाओं के जो है सर्वोच्च सेनापति होते हैं, तीनों ही सेनाओं, जल थल और वायु सेना के। इसी के आधार पर तीनों ही सेनाओं के सेनापतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए जो युद्ध की घोषणा या युद्ध के समाप्ति की घोषणा की जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यद्यपि इसे संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को देखा जाए तो यह एक संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण शक्तियों को व्यवहार में प्रयोग करता है, और यह सारी शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद या कैबिनेट की या मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया होता है। हालांकि भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में राष्ट्रपति के पद के स्वरूप पर एक प्रश्न हम लोग बनाएंगे और अगले क्लास में इस पर चर्चा किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत जो है सामान्य शक्तियों पर यहाँ पर चर्चा किए हैं, और सामान्य शक्तियों के अंतर्गत कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही अध्ययन करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग इस शक्ति के जो दूसरे भाग यानी कि आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर के साथ साथ अपने अन्य विषयों की भी तैयारी करते रहिए। पुनः हम जल्द ही इसके दूसरे और अंतिम भाग यानी कि आपातकालीन शक्तियों पर क्लास निर्धारित करेंगे और इन शक्तियों के संपूर्ण पाठ को देखेंगे। तो नमस्कार, आने वाले समय में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।